बावलोग एपिसोड 8 की एंडिंग बहुत कुछ देकर गई है, जिसमें से एक नहीं चार चार बैटल साइमल्टेनियसली यानी एक साथ हमें देखने को मिलने वाली हैं, जिसमें से मेजर बैटल रहने वाली है द बैटल ऑफ गलट। एंड आगे की एंडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए फायर एंड ब्लड बुक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो स्पॉयलर अलर्ट, जिसको लगता है कि भाई साहब इससे सीजन 3 का मजा खराब हो जाएगा, तो बाबा यू कैन स्टॉप नाउ। बाकी बाबा एंडिंग में हमने देखा ऑल बास्टर्ड्स आर रेडी, एडम ऑफ हल, ह्यू हैमर और द वाइट आर्मर पहन के सब तैयार हो चुके हैं, जिनका पार्टिसिपेशन बैटल ऑफ गलट में होने वाला है, एंड उनके ड्रैगन्स का भी। लेकिन इस बैटल में सीप स्टील का भी मेंशन हुआ है अकॉर्डिंग टू बिक्स, जिसमें नेटल्स द बास्टर्ड गर्ल राइड करेगी एंड पार्टिसिपेशन करेगी। लेकिन एंडिंग में हमने क्या देखा, रीना टारगेरियन को सीप स्टील के पास देखने को मिलता है, तो नो डाउट ये नेटल्स का खल्लास कर रहे हैं और वही राइडर होने वाली है। लेकिन वो पार्टिसिपेट करेगी या नहीं करेगी भाई साहब, वो सीजन 3 में ही पता चलेगा। दूसरी तरफ इन सब का पार्टिसिपेशन गलट वॉर में तभी होगा, यानी बास्टर्ड्स और उनके ड्रैगन्स का, जब ये रेस्क्यू मिशन में जाएंगे रनीरा की सबसे छोटी औलाद एगन 3 और उसके ड्रैगन्स और बाकी के बच्चों को बचाने के लिए। किससे? ट्रायर की नेवी आर्मी से, जो हमने एंडिंग में देखा था सीजन 2 के, टाइलैंड लैनिस्टर लेकर आ रहा है 90 ships, जिसका कमांडर लेडी लोहार है, जो कॉलिस वैलेरियन की नेवी आर्मी से गलट बैटल में भिड़ने वाले हैं। लेकिन उसी बीच रनीरा के बच्चों से लदी सिप्स विसेरिस और एगन 3 और बाकी के जो भी बच्चे हैं, ये ट्रायर की आर्मी के हत्थे चढ़ जाते हैं, जिसमें से एगन 3 अपने ड्रैगन स्टॉर्म क्लाउड में सवार होकर भाग निकलेगा और ब्लैक्स को जाके इन्फॉर्म कर देगा। तब जाकर जैकेरिस वैलेरियन और बाकी के बास्टर्स अपने ड्रैगन्स के साथ मिलकर ये सारे लोग वहां जाएंगे, रेस्क्यू करेंगे। और बाबा ये सारी बातें अकॉर्डिंग टू बुक है, मेरे हिसाब से यहां कुछ नहीं है, जिसमें से एक सबसे मेन कैरेक्टर की डेथ हो जाएगी वहां पर ब्लैक्स की तरफ से। खैर वो नहीं बताऊंगा, इतना स्पॉइल नहीं करेंगे। देन उसके बाद हमने जेसन लैनिस्टर को लैनिस्टर आर्मी के साथ चढ़ाई करते हुए देखा, जिसका कंट्रीब्यूशन द बैटल ऑफ रेड फॉक में होने वाला है। वहां ये रिवरलैंड आर्मी के एक ग्रुप से भिड़ेंगे, यानी रिवरमैन से भिड़ेंगे। शुरू में ग्रीन्स यहां हारेंगे, देन एक और मेन कैरेक्टर की यहां डेथ हो जाएगी ग्रीन्स की तरफ से, वो भी नहीं बताऊंगा। लेकिन बाद में लैनिस्टर आर्मी विद सम ऑफ अलाय ग्रुप, जो वहीं पर ही होंगे वेस्टरमैन्स, रिवरमैन को खदेड़ देंगे बुरी तरीके से। उसके बाद हमने स्टार्क्स आर्मी के 2000 वॉरियर भी देखे थे, जो सीजन 2 के स्टार्टिंग में फर्स्ट एपिसोड में जैकेरिस को प्रॉमिस करते हैं, करे जाते हैं, और ये पार्टिसिपेट करेंगे द बैटल बाय द लेक्सोर, जो गॉड्स आई लेक्स के पास लड़ी जाएगी। यहां वेस्टरमैन वर्सेस रिवरमैन प्लस नॉर्थमैन मिलके, यानी स्टार्क्स आर्मी मिलके ग्रीन्स की धज्जियां उड़ा देंगे बुरी तरीके से और लगभग इनका सफाया ही कर देंगे वेस्टरमैन्स के एक ग्रुप का, यानी ग्रीन्स अलाय आर्मी का। उसके बाद रिवरलैंड्स में सिर्फ ग्रीन्स की तरफ से सर क्रिस्टन कोल और लॉर्ड ऑर्मंड हाईटावर की आर्मी ही बसती है। लेकिन क्रिस्टन कोल के पास अभी तक हवाई सीजन 2 में हमने सिर्फ यही देखा कि ग्वेन हाईटावर ही देखने को मिल रहा है एवरी टाइम, तो वो सीजन 3 में ही पता चलेगा कि भाई सब ग्वेन हाईटावर होगा या ऑर्मंड हाईटावर होगा, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन इस बैटल में जो इमीडिएट लड़ी जाएगी उसके बाद लेक्सोर के बाद, और यहां पर ग्रीन्स की फुल आर्मी नहीं होगी, और यहां तक पहुंचते बाबा बहुत से लोग इसमें थक भी चुके होंगे। सो इस बैटल का नाम होगा द बैटल ऑफ बुचर्स बॉल, जिसमें ग्रीन्स की भाई साहब पूरी तरीके से आर्मी को धज्जिया उड़ा दिया जाएगा, सफाया कर दिया जाएगा, और एक और मेन कैरेक्टर का यहां पर डेथ हो जाएगी ग्रीन्स की तरफ से, कौन ये भी नहीं बताऊंगा भाई साहब, वो सब आप सीजन 3 में ही देखो, इतना स्पॉइल नहीं करेंगे। तो भाई साहब सीजन 3 में अकॉर्डिंग टू बुक 4 बैटल देखने को मिल सकती है एक साथ, क्योंकि बैटल ऑफ गलट के बाद ह्यू हैमर अस द वाइट बिट्रे कर देंगे ब्लैक्स को, और सर ऑर्मंड हाईटावर के साथ मिलके किंग्स लैंडिंग की ओर ये चढ़ाई कर देंगे, जिसमें से हमें डेरन टारगेरियन की झलक भी देखने को मिलेगी उसके ड्रैगन टेसेरियन के साथ, और जो आगे जाकर फर्स्ट टुम्बल्टन की वॉर होने वाली है। तो सीजन 3 मुझे नहीं लग रहा कि इतने सारे बैटल्स का झटका झेल सकती है, और सीजन 4 में ये शायद फर्स्ट बैटल होगी। लेकिन बियॉन्ड ऑफ इट भाई साहब, बैटल ऑफ गलट, बैटल एट रेड फॉग, बैटल बाय द लेक्सोर एंड बैटल ऑफ बुचर्स बॉल, ये डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकती हैं सीजन 3 में एक साथ, वो भी शायद जिसमें सबसे पहले बास्टर्ड्स और ड्रैगन्स के साथ मिलकर क्वीन रनीर या किंग्स लैंडिंग पर कब्जा कर लेगी। तो भाई साहब सीजन 2 की एंडिंग में जितनी भी आर्मी फॉर्म होते नजर आई हैं उनके अकॉर्डिंग ये 4 बैटल की तरफ ही सीधा इशारा जाता है। उसके बाद सीजन 4 में 4 बैटल को सिक्योर करा जाएगा अकॉर्डिंग टू मी, जिसमें से फर्स्ट बैटल होगी द फर्स्ट बैटल ऑफ टिम्बल्टन, देन उसके बाद बैटल ऑफ गॉड्स आई, देन उसके बाद अगेन सेकेंड बैटल ऑफ टिम्बल्टन, देन उसके बाद लास्ट जो बैटल लड़ी जाएगी बैटल ऑफ किंग्स गार्ड।
तो बाबा कौन कौन कितना एक्साइटेड है सीजन 3 के लिए, क्योंकि बाकी दो सीजन में सिर्फ हमें वॉर ही वॉर देखने को मिलने वाली है, यानी सीजन 3 और सीजन 4 में। बाकी तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भाई साहब ड्रैगन का तो कोई ज्यादा नाम ही नहीं आया है और ड्रैगन का वॉर देखने के लिए हम सब तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, ना वेगार और एमेंड का नाम आया कहीं से कहीं तक, ना डेमन और उसके कराक्सिस का नाम आया है। तो बाबा एक ही वीडियो में सारा मजा ले लोगे क्या? नेक्स्ट वीडियो में ड्रैगन वॉर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, अभी फिलहाल के लिए ये ही था। बाकी एक सवाल सबके मन में ये भी चल रहा होगा कि भाई साहब सीजन 3 कब आएगा? तो अकॉर्डिंग टू रियान कॉन्डल्स इंटरव्यू, जो को क्रिएटर एंड शो रनर हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज के, अर्ली 2025 में प्रोडक्शन का काम ये लोग शुरू कर देंगे, इन्होंने अपने मुंह से भाई साहब ये डिक्लेयर किया है। देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू मी समर 2026 में ये सीजन 3 हमें देखने को मिल सकता है, बट इट इज नॉट ऑफिशियल, आई रिपीट दिस इज नॉट ऑफिशियल, ओनली प्रेडिक्शन है कि 2026 में समर में हमें शायद सीजन 3 देखने को मिल जाए। तो देखते हैं बाबा क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी यहां तक पहुंचते और किसके मन में कितने सवाल होंगे, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, और मुझसे क्या क्या छूट गया है या कुछ मिस्टेक हो गई है तो वो भी जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बता के जाना कि ये सारी चीजें शायद तेरे से छूट गई हो, क्या डिस्कशन हो सकता है और भी क्या किस बारे में हम वीडियो आगे बना सकते। बाकी यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।